क्या बनाया तुम लोगों ने? ये हमारी सिटी है, तो सिटी से हटा यार। देखो सिटी में बैठ गए, मजदूर है मजदूर। अब तो मान के तो घर देखो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली। तो ये है बहुत प्यारा व्लॉग, जो बीच में अभी पाकिस्तान कराची के शहर में जो बारिश हुई थी तब का व्लॉग है। और इत्तेफाक की बात है कि हमें जाना था भाभी भाभी लोगों के छत के ऊपर से, देखो नाला नजर आ रहा है के लिए, जो नाला जो टूटा नहीं था वो बनाया है। तो और ये कितना फ्लोर है, जाके खेलने लगे, देखो पुल के ऊपर से लोग भी जा रहे हैं, पुल भी बना है, बच्चों को बिल्कुल नीचे खेलने। अब बारिश है ना यहाँ लियारी में और अयूब रोड की साइड पे हुई है कि 3 साल का जो बच्चा है वो अगवा हो चुका है। ये कौन सा नाला है? पुल दिखा रही थी, ये गुजर नाला है, कुछ ऐसे पहले ये पूरा तोड़ दिया गया था और इसको इस तरह से करके अच्छे से बनाया गया है, थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था इस घर से, तो मैं आपको दिखा रही थी। लेकिन बारिश की वजह से बिल्कुल ओवरफ्लो हुआ हुआ था और कराची के जो जो इंडस्ट्रियल एरिया साइड है वहाँ बिल्कुल बारिश हो रही थी, और जो सुरजानी और अयूब गोड का साइड था वहाँ पे बारिश हुई थी। नहीं किसी की छत पे जो है मुर्गियाँ पली हुई थी, देखो मच्छर घूम होते हैं, छत बहुत मजबूत लग रही थी। फिर रात को हम वहाँ से घर आ गए थे और दूसरे दिन फिर वापस से बहुत तेज़ बारिश शुरू होने वाली थी और मैंने कुछ कपड़े जो है वो धो के डाले थे। फिर जल्दी जल्दी उन कपड़ों को मैं लेकर आ गई थी नीचे और इनको मैंने तय करके रखे और फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। हो गई फाइनली, मौसम चेक करो यार, फुल वाली ये देख, तो दूर से हम बारिश के लिए तरस रहे थे। मैं ऊपर ही नहीं आई, चिल्लाऊं नहीं ना यार वीडियो में, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तेज़ हो रही है। और मेरा मोबाइल, और ये मेरा मोबाइल, सच में पापा आ गए ये मोबाइल। मेरा क्या हो गया सपान? मेरा ना दांत टूट गया, मैं बैठा था। क्या कहता है? इतना ज़्यादा इसका कैविटी था, मैं ना बैठा नमाज पढ़ रहा था, आप थोड़ा चीनी मुंह में रख लो तो। नहीं 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 नहीं, चीनी तो मीठी होती है, खाली जगह में चीनी लगेगी तो दोबारा कीड़े लग जाए। अब ना टीथ ब्रश कर लो हल्का हल्का, सही है अम्मी? ये रहा, जाओ टीथ ब्रश कर लो। सो नेक्स्ट व्लॉग में अहमद के दांतों की स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर आ गया था मेरा पार्सल सैक की तरफ से, जो आजकल स्लिमिंग टी बहुत चल रही है इनकी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और मैंने दूसरी मंगवाई थी सिनेमन का कहवा, जो कि मैं वैसे भी घर पे सिनेमन स्टिक से कहवा बनाकर पीती थी, लेकिन अब ये अच्छा हो गया है कि साशे में आ रहा है और बंदा यूज़ कर सकता है। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मुझे यूज़ करते हुए, बहुत अच्छा डाइजेशन वाला जो सिस्टम है मेरा बहुत अच्छा हो गया है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। हमारी आ गई हैं 2 कप चाय, एक में बनेगी ये वाली स्लिमिंग टी हर्बल की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, उसको खोलते ही ना इससे स्ट्रॉबेरी की फ्लेवर खुशबू आने शुरू हो गई। वही मेरी ये तो पैनाडोल की दवाई लग रही है भाई, अभी अभी खाना खाया था मैंने, 4 बज रहे। अच्छा ये है सिनेमन टी रेसबेरी एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और वो है कैनल कनॉप, पता नहीं क्या है ये, शायद कहवा है।
इसमें नहीं, इसमें दालचीनी। ओह क्या खुशबू आई दालचीनी की। मुझे ना वैसे आदत है दालचीनी का कहवा पीने की, मैं वैसे भी दालचीनी के साथ उबाल के पानी पीती रहती हूँ। तो उसको थोड़ी देर, उसको थोड़ी देर के लिए रख। अब हम ट्राई करते हैं, अल्लाह पाक करे कि हमें इससे फाका हो। ये अच्छा सा पिंक कलर आ रहा है। चलो इसको थोड़ी देर रहने देते हैं, फिर पीते हैं और कुछ दिन इसको ट्राई करने के बाद आपको रिजल्ट बताएंगे कि कैसा लगा हमें, ठीक है। सो जी जनाब, तो बारिश हो और पकोड़े ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर फिर मैंने जल्दी जल्दी बारिश में जैसे नहाया और बहुत तेज़ बारिश हुई, लेकिन जस्ट 10 मिनट के लिए बारिश हुई और उसके बाद फ़ौरन बंद हो गई। फिर मैं जल्दी से नीचे आई, आकर मैंने कहा नेक्स्ट बारिश जल्दी से स्टार्ट हो उससे पहले पहले जल्दी जल्दी पकौड़े बना दें। लेकिन जैसे ही पकौड़े बनाए तो मगरिब की अज़ान हो चुकी थी और ये गरम गरम पकौड़े जो है हम गरम गरम नहीं खा पाए, क्योंकि फिर बारी बारी सबने नहाना था, नमाज़ पढ़नी थी और ज़ाहिर सी बात है नमाज से पहले कोई चीज़ मज़े की नहीं लगती, क्योंकि नमाज़ की टेंशन हो रही होती है कि नमाज जल्दी अदा हो जाए, टाइम ना गुजरे। तो काम इतने ज़्यादा फैले थे, जल्दी जल्दी फिर जो है ना ये पकौड़े बना कर रख के मैं गई, चेंज किया, उसके बाद फिर हमने ये पकौड़े इन्जॉय किए। तो बस यही है कि चलते फिरते जो है ना फिर हम हाथ मार रहे थे, क्योंकि भूख बहुत टाइट लग रही थी और नमाज की वजह से सब बैठ के एक साथ खा नहीं पा रहे थे। तो मैंने बना कर चाट मसाला रख लगा कर और फिर इसको रख दिया था और जल्दी जल्दी फिर सब ने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद बैठ के जो है ना इसका VIP सेटअप किया और इसका काम तमाम किया। खैर पकौड़े से याद आया कि पकौड़ों के बाद फिर हमने बनाए जो हैं, ये कब से मैं सोच रही थी कि ये मलाई बोटी जो है ना रोल पराठा बनाएं, तो फिर ये जो है साथ साथ पकोड़े बनाने के बाद नमाज़ पढ़ी फ्री होके, फिर मैंने जल्दी जल्दी ये पराठे बनाए और फिर रहमान ने जो है गोटियां भी रेडी कर दी थी, मैंने चटनियां भी सारी रेडी कर दी थी। रायता जो है ना लहसुन वाला मैं बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा रेसिपी है, इंशाल्लाह मैं कभी शेयर करूँगी। मेरे ख्याल से मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है, यम्मी है, यम्मी नहीं है, यम्मी है, यम्मी। कलर आए खा खा इतना अच्छी हो रही है।